नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, नारायण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के एपिसोड्स में आखिरी एपिसोड्स, जिसमें गैर मान्यता और उसके असलियत के बारे में बताएंगे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के एपिसोड्स में अपने ने ब्रेस्ट के लक्षण, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके प्रिवेंशन, ये सब के बारे में जाना। ये सब जानने के बावजूद भी लोगों के मन में कुछ कुछ आशंकाएं रहती है, या आजू बाजू के लोगों के बारे क्या सुन के उनके मन में कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। जो कॉमन कन्फ्यूजन्स है या जो कॉमन गैर मान्यता है, उसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। एक है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर फैमिली में किसी को है तो नेक्स्ट जनरेशन में या उनके सिस्टर्स को, सबको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ब्रेस्ट कैंसर 5 या 10% लोगों में ही हेरिडिटरी होता है। अगर मदर को या मासी को या दादी को या नानी को, किसी एक जन को ब्रेस्ट कैंसर है, तो नेक्स्ट जनरेशन में ब्रेस्ट कैंसर होना अनकॉमन है। अगर 2-3 जनरेशन में दादी को भी है, मम्मी को भी है, मासी को भी है, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों को है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। फिर भी वो 100% ब्रेस्ट कैंसर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ फैमिलियल या हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, जिसको BRCA1, BRCA2 इस नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट करने से समझता है कि रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है कि नहीं है। अगर BRCA1, BRCA2 ऐसा कुछ है, फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कुछ 25 से 50% के हिसाब से रहती है। तो और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा ऐसा भी नहीं रहता है। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, समझो करीबन 85 से 90% केसेस में फैमिली हिस्ट्री के बिना होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड कॉमन मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो पूरा ब्रेस्ट या स्टन निकालना ज़रूरी है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए 2 टाइप के सर्जरीज होते हैं, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। एक है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और एक है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। एक में सिर्फ गांठ निकाल सकते हैं और बगल की गांठ को चेक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। इसका रिजल्ट एकदम ही सिमिलर है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी से। सिर्फ अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया तो रेडिएशन या शेक लेना अनिवार्य है। तो ये दोनों में से कौन सी सर्जरी करना, ये पेशेंट खुद डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन गैर मान्यता है कि स्तन में या बगल में गांठ है पर वो दर्द नहीं कर रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर नहीं है। ये भी बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादातर गांठ, भले वो ब्रेस्ट में हो या बगल में हो, ये दर्द नहीं करती है। अर्ली स्टेज में दर्द होना बहुत अनकॉमन है। जनरली वो दर्द करेगी तब वो स्टेज 3 या 4 में पहुंच जाएगा। इसीलिए अगर गांठ है, भले वो दर्द नहीं करती है, फिर भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और जो डॉक्टर देखने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन या जांच बताता है, वो करना ज़रूरी है। क्या सब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सेम होता है, या ऐसी मान्यता है कि भाई मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है तो मेरा पहला ऑपरेशन हो जाना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से होता है। जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि स्टेज 1, 2 या अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में पहले ऑपरेशन होता है, और स्टेज 3 या लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में पहले कीमोथेरेपी होता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, और स्टेज 4 या मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में ऑपरेशन होता ही नहीं है। तो हर ब्रेस्ट कैंसर हर पेशेंट में अलग रहता है। जो आपका ERPR HER2 है, उससे भी कितना ट्रीटमेंट देना, कितने समय तक देना, कितना कीमोथेरेपी देना, ये सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट एक जैसी नहीं होती है। इसके अलावा और एक मान्यता है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने ऑपरेशन कर लिया, कीमोथेरेपी ले लिया, रेडिएशन की ज़रूरत है तो वो भी ले लिया, तो
तो अभी हमको कभी भी कैंसर वापस नहीं आएगा या कभी भी कैंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर का रिजल्ट उसके स्टेज के ऊपर आधारित है। स्टेज वन में मैंने जैसे बोला 90-95% रिजल्ट है, स्टेज टू में करीबन 80% है, स्टेज थ्री में करीबन 60% के आसपास है, स्टेज फोर में बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी रिजल्ट स्टेज के ऊपर आधारित रहता है। एक बार ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म हो गया उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर कभी भी वापस नहीं आएगा। ट्रीटमेंट करने से वापस आने की संभावना अपने कम कर देते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे लोग बाद में कभी डॉक्टर को दिखाने ही नहीं आते हैं, या वो समझते हैं कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया अभी सब ठीक हो गया, ये भी बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है। पहले 2 साल में हर 3 महीने पे, 3 से 5 साल में हर 6 महीने पे, और 5 साल के बाद हर साल डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। हर साल में एक बार मेमोग्राम करना ज़रूरी है। अगर आपका ERPR पॉजिटिव है और हार्मोन थेरेपी पे हो तो 5 से 10 साल वो गोली लेना ज़रूरी है। जितना सर्जरी और कीमोथेरेपी इंपॉर्टेंट है उतना ही ये गोली लेना ज़रूरी है। इसीलिए कम से कम 5 साल और प्रिफरेबली उससे भी आगे डॉक्टर का, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का फॉलोअप रखना ज़रूरी है। ये कॉमन मिथ्स के बारे में मैंने बताया। ये टोटल अपने ने 6 एपिसोड्स ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हिसाब से किए, अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से ख़त्म किए। ये एपिसोड सीरीज़ के बाद मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे कि ब्रेस्ट कैंसर कम करने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज करना, फूड में हेल्दी फूड खाना, ओबेसिटी कम करना, मोटापा कम करना, ये सब करना बड़ा ज़रूरी है। ये सब करने के बाद ही अपने ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण कम कर सकते हैं। धन्यवाद।